बताएं। तो काफी वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टॉक का नाम ले लेता हूँ, आरपीजी लाइफ साइंसेज। एक चीज थोड़ा सा मैं दर्शकों को एक थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से मार्केट्स भले गिरते हो, मगर कल मैंने ट्वीट भी किया था कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक ठीक ठाक सी करेक्शन देख रहे हैं हम, और भी करेक्शन गहरा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां से और नहीं जा सकता है। और काफी लोग जो हमारे ये जो स्टॉक्स होते हैं रेकमेंडेड स्टॉक्स, वो सोचते हैं कि इंट्राडे या दो चार पांच दिन में टारगेट अचीव हो जाएंगे, बट ये प्योरली लॉन्ग टर्म पिक्स है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। और ऐसे समय ऐसा नहीं कि पहली बार मार्केट्स में आया है, जब से हमने जैन साहब के जैम शुरू किया तब से शायद बहुत बढ़िया समय चल रहा है, एक डेढ़ साल से, मतलब एक सवा साल से। तो गोल्डन पीरियड था, तो सारे स्टॉक्स भी गोल्डन रिटर्न्स दे रहे थे, बट गोल्डन गोल्ड तो खैर कम रिटर्न्स देता है, स्टॉक्स तो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए। बट अब क्या है कि समय, अब वो जो इजी मनी या जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो मिड कैप स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, सब में ही नहीं है, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अनवांटेड अनलिवरेज मनी ही पैसे लगाए मार्केट में, नहीं तो काफी, क्योंकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जैसे ऊपर जाते हैं वैसे नीचे भी आते हैं, फिर उनको समय देना पड़ता है दो ढाई साल का। तो मैं जस्ट एक कॉशन मैं दे रहा था, क्योंकि कल जब मैंने ट्वीट किया तो काफी लोगों का रिप्लाई भी आया और काफी लोग फोन पे व्हाट्सएप पे भी टच में थे, तो सबको कोशिश कर रहा था, हालांकि किसने भी ट्रोल या कोई ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया, सब बड़ाई करते हुए पूछे कि हम फंस गए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये चीज एक बार ओपनली टीवी पे जरूर बोले। बट आज का जो स्टॉक है बहुत बढ़िया स्टॉक है, आरपीजी लाइफ साइंसेज। और आप देखिए, अब मैं थोड़ा सा सेफर स्टॉक्स या बड़े ग्रुप के स्टॉक्स, हालांकि सारे पहले भी सब बड़ी हैं, बट थोड़ा सा अब थोड़े डिफेंसिव्स में भी थोड़ा घुसना जरूरी है, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, डिफेंसिव भी हो और अच्छा ग्रुप भी हो। तो वैसा ये स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंस, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, 18 के पी मल्टीपल पे सिर्फ अवेलेबल है, एक अच्छी क्वालिटी कंपनी जो कि पहले एमएनसी हुआ करती थी, सर्ल इंडिया, बहुत बड़ी एक कंपनी है सर्ल इंडिया, जो 1968 में कंपनी ने स्टार्ट किया था अपने ऑपरेशंस इंडिया के अंदर, और 93 में आरपीजी ग्रुप जो हर्ट्ज गोयनका जी की ग्रुप है, उन्होंने ये पूरा कंपनी को टेक ओवर कर लिया और पूरा भी आरपीजी लाइफ साइंसेज नाम हो गया। सो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स है, और फार्मा में इनका सबसे बढ़िया चीज कहीं तो पुरानी कंपनी और कुछ ब्रांड्स बहुत फेमस है, एजरॉन, ट्राइकाइन और ये सब, और जिन भी सेगमेंट्स में है वहां पे 10 करीब थेरापेटिक एरियाज में है, न्यूफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, और सब में कुछ बड़े अच्छे ब्रांड्स भी है और अच्छा मार्केट शेयर भी कंपनी कमांड करती है, और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी कंपनी बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट्स में भी है। सो 26-27 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 20 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 1.5% का डिविडेंड यील्ड, और सबसे बढ़िया बात ये एकमात्र कंपनी होगी शायद जहां तक मेरी नॉलेज है जो 8 रुपए की फेस वैल्यू पे है, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 5 की, 2 की, 1 की सुनने में आता है, ये 8 रुपए की है। और सबसे बढ़िया बात, सेल्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 6-7%, 8% है, बट जो प्रॉफिट की कैगर है वो एक्सीलेंट है, मतलब 43% की प्रॉफिट की कैगर है पिछले 3 साल की, 5 साल की 28%, क्योंकि और 7 साल की 40%, 3 साल की कई बार होता है कि भाई 1-2 साल आपके अच्छे चले गए तो कैगर बढ़िया हो जाता है, तो इसलिए मैंने 7 साल का बोला। एक जीरो डेट कंपनी है, ओपीएम्स 19% के लगभग के ओपीएम्स में काम करता है, बहुत बढ़िया स्टॉक। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, जून 2020 में 9 करोड़ का पैड था, उसके सामने जून 2021 में 14 करोड़ का पैड, पिछले 4 क्वार्टर बहुत बढ़िया गए हैं कंपनी के। सो आई फील कि जिस तरीके से टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट्स दे रही है कंपनी, और जिस तरीके का प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में और कई अच्छे नामचीन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में, तो बिल्कुल यहां पे लेना चाहिए इस स्टॉक को, और आराम से 590 तक के टारगेट्स के लिए।